हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं भारत के एंटी स्टेल्थ रडार के बारे में, जो कि स्टेल्दी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकती है। हम सब जानते हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर में एनिमी कंट्री बिना डिटेक्ट हुए हमला करने वाली स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से विकसित कर रही है, और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में नेशनल डिफेंस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। हमारा चिंदी पड़ोसी चाइना भी इस टाइप के रडार के ऊपर वर्क कर रहा है, जो कि YLC-8B एंटी स्टेल्थ रडार है। साथ ही चाइना का ये क्लेम है कि वो अपनी हीट सीकिंग रडार की मदद से किसी भी स्टेल्थ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को 300 किलोमीटर पर ही पकड़ सकता है। वहीं DRDO स्टेल्दी सिस्टम को डिटेक्ट करने के लिए 4 अलग अलग तरीके के रडार के ऊपर वर्क कर रही है। लेकिन इसे समझने से पहले आइए जानते हैं कि स्टेल्थ वर्क किस तरीके से करता है और इसे डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है। स्टेल्दी सिस्टम में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिस्टम है वो फाइटर एयरक्राफ्ट है। वहीं स्टेल्थ UCAV भी इस डोमेन में अब नई चुनौती बनकर सामने आ रही है। इस टेक्निक को हासिल करने के लिए डेवलपर किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के डिज़ाइन के लेवल से ही वर्क करना स्टार्ट कर देती है, जहाँ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जब एनिमी की रडार इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी रेडियो वेव को मारे तो वो बॉडी से टकराकर वापस जाने के बदले हवा में आगे की ओर निकल जाए। उसके बाद जब एक्चुअल सिस्टम बनाया जा रहा होता है तो उस वक्त उस सिस्टम के बॉडी को ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जो रेडियो वेव को ऑब्जर्व कर ले। वहीं इन दोनों चीज़ों को अचीव करने के बाद भी कुछ ऐसी जगह बच जाती है जहां से रेडियो वेव टकराकर वापस रडार के पास जा सकती है और स्टेल्दी सिस्टम पकड़ा जा सकता है। तो उस जगह पर RF कैंसिलेशन मेथड का यूज़ किया जाता है, जिसके तहत एनिमी की रडार से आ रही वेव के जैसे ही एक्चुअल RF कैंसिलेशन सिग्नल को जनरेट करके उस रेडियो वेव को कैंसिल कर दिया जाता है या फिर वीक कर दिया जाता है। तो जब एनिमी की रडार तक कोई भी रेडियो वेव टकराकर वापस पहुंचेगी ही नहीं, तो उस वक्त वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एनिमी टेरिटरी के अंदर हवा में बिल्कुल ही इनविजिबल हो जाता है। लेकिन ये तो हो गई एक ट्रेडिशनल रडार की बात, जिससे हम स्टेल्दी सिस्टम को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन स्टेल्दी टारगेट को डिटेक्ट किया जा सकता है, और इसके लिए कुछ न्यू और कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाली रडार का इस्तेमाल किया जाता है। और DRDO इस टाइप के सिस्टम को डिटेक्ट करने के लिए टोटल 4 टाइप के रडार के ऊपर वर्क कर रही है, जिसमें से पहला है लो फ्रिक्वेंसी रडार। लो फ्रिक्वेंसी रडार वैसे रडार होते हैं जो कि 1GHz यानी कि 1 GHz से कम वाली फ्रिक्वेंसी का यूज़ करती है, जो कि इसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने में यूनिक एडवांटेज देती है। क्योंकि नॉर्मल एल बैंड, UHF, VHF और HF जैसे रडार 2 GHz से 40 GHz की फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम F-22 और F-35 जैसे फाइटर जेट को डिटेक्ट करने की बात करें तो इसे डिटेक्ट करने के लिए 0.03 GHz से 3 GHz वाली रडार सिस्टम होनी चाहिए। और क्योंकि लोअर फ्रीक्वेंसी रडार 1 GHz से भी कम की फ्रीक्वेंसी यूज़ करती है, तो स्टेल्दी टारगेट को ये ईजिली डिटेक्ट कर सकती है। दूसरा है मल्टी स्टैटिक रडार। मल्टी स्टैटिक रडार मल्टीपल रडार स्टेशन पर मौजूद रडार सिस्टम के डाटा को कंबाइन करके डिटेक्शन करती है, जहां पर डिफरेंट रडार से आ रही सिग्नल को एनालाइज किया जाता है। इस तरीके में मल्टीपल रडार का यूज़ किया जाता है जो कि डिफरेंट बैंड पर ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिसके कारण स्टेल्दी सिस्टम के थ्रू इस एरिया में इन्वेड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपकी डिटेक्शन ईजिली की जा सकती है। थर्ड है ओवर द होराइजन स्टेल्थ रडार। इस टाइप के रडार की रेंज थाउजेंड्स ऑफ द किलोमीटर होती है, और DRDO इसे इंडियन ओशन रीजन के लिए बना रही है, जहां पर ये रडार पूरे इंडियन ओशन रीजन को स्कैन करने की क्षमता रखेगी। और क्योंकि इसकी रेंज बहुत लंबी होती है, ये स्टेल्दी टारगेट को सन से आ रही रेज के थ्रू आयनाइज्ड हुए पार्टिकल से रिफ्रैक्शन के थ्रू डिटेक्ट करती है, और ये रडार अर्ली डिटेक्शन का काम भी करती है। वहीं फोर्थ है पैसिव कोहेरेंट लोकेशन रडार। ये रडार अपने आप में ही काफ़ी यूनिक है, क्योंकि जहां एक तरफ ट्रेडिशनल रडार सिग्नल को एमिट करती है और फिर उसे रिसीव करती है, जिसके बाद रिसीव किए गए सिग्नल के बेसिस पर डिटेक्शन और ट्रैकिंग करती है, वहीं पैसिव कोहेरेंट लोकेशन रडार कोई वेव एमिट नहीं करती है, बल्कि ये कॉमर्शियल ब्रॉडकास्टर्स, मोबाइल टावर और सैटेलाइट इमेज के सिग्नल को प्रोसेस करती है। और क्योंकि ये सभी सिस्टम बहुत तेज़ी से फ्रीक्वेंसी एमिट कर रही होती है, अगर उस एरिया में स्टेल्दी सिस्टम है तो वो किसी न किसी सिग्नल में ज़रूर पकड़ा जाएगा, और फिर PCL रडार उसे डिटेक्ट कर लेगी। ये एक एक्सट्रीमली कोवर्ट रडार है, जो कि स्टेल्दी सिस्टम को बिना रेडियो वेव एमिट किए ही डिटेक्ट कर लेती है। तो DRDO भारत के लिए चाइना के स्टेल्दी सिस्टम को काउंटर करने के लिए पूरी एक रडार स्पेक्ट्रम के ऊपर वर्क कर रही है। तो एयरफोर्स को आने वाले टाइम में
एमका स्टेल्थ फाइटर जेट के साथ साथ चाइनीज स्टेल्दी फाइटर जेट को डिटेक्ट करने के लिए एंटी स्टेल्थ रडार भी मिलने वाले हैं। तो इस सब के ऊपर आप सबकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।